Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss relative aromatic character of pyrrole and thiophene, pyrrole, thiophene and furans. जो आपके थ्री जो हमने फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स पढ़े थे जिसके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम उसके लिए क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये आपके तीनों के तीनों हेट्रोसाइकल हैं, इसमें से एरोमेटिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा. ठीक है, हम तीनों की बात करेंगे यहाँ पर रिलेटिव एरोमेटिक करेक्टर की, कि किसका एरोमेटिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, किसका एरोमेटिक करेक्टर सबसे कम है. तो मैं पहले आपको इसका आंसर बताती हूँ, उसके बाद इसके लिए एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा थायोफिन है, इसके जो एरोमेटिक करेक्टर होगा ये सबसे ज़्यादा होता है. उसके बाद आपका कंपाउंड आता है पायरोल, और उसके नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड आएगा उसका नाम क्या होगा? फ्यूरान. सो थायोफिन हैव मैक्सिमम एरोमेटिक करेक्टर, आफ्टर दैट पायरोल एंड आफ्टर दैट फ्यूरान. एक्सप्लेनेशन सुनिए इसकी ध्यान से. अब देखिए, एक्सप्लेनेशन इसके दो तरीके से हम बताएंगे, दो फैक्टर्स पे इसकी एरोमेटिसिटी डिपेंड करती है. फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, वो उनकी अगर एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन किया जाए बेंजीन के साथ, तो एरोमेटिसिटी जो कैरेक्टर है फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, वो बेंजीन के कंपैरिजन में कम है. क्यों कम है वो देखिए. बेंजीन जो है इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी, बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है बाकी अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. साथ में जब आप बेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, तो बेंजीन में कोई भी आपको चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगा, बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो रेजोनेंस के रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड है उसके टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है. जबकि हम इन जो जितने भी आपके हेट्रोसाइकल्स हैं इनकी बात करें, तो इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन रहता है, जिसकी वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर कम रहेगा. साथ में अगर हम बात करें तीनों के आपस की, तो आपको ये पता है कि ऑक्सीजन एटम जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद सल्फर की. मीन्स ये कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब बनता है मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वो हकल रूल को फॉलो करता है. और हकल रूल क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अब ये देखिए, सारे कंपाउंड साइक्लिक थे, कॉन्जुगेटेड थे, प्लेनर थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर में. अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे भाई? जब ये 4 × 1+2 हो जाए. दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आ जाएंगे? डबल बॉन्ड से. एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? लोन पेयर से. अब जो एटम जितना जल्दी अपने लोन पेयर दे पाएगा वही तो एरोमेटिक कैरेक्टर में पार्टिसिपेट उतना जल्दी करेगा. तो आप लोग देखोगे कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम. इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो पावर है वो क्या है? ज़्यादा, जिसकी वजह से जो थायोफिन है वो इजिली अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, जिससे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और एरोमेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा. इसके बाद कौन करेगा? पायरोल, सेम एक्सप्लेनेशन. और उसके बाद सबसे लास्ट में होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन तीनों के कंपेरिजन में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इतना जल्दी देना नहीं चाहेगा, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कम करेगा, इसलिए इसका एरोमेटिक करेक्टर जो है ये सबसे कम रहेगा. तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर के रिगार्डिंग, कि कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन उससे कम, फिर सबसे कम कौन है. ठीक है, तो थायोफिन सबसे ज़्यादा ये एरोमेटिक करेक्टर का रहेगा. उसके बाद बात करेंगे पायरोल की, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? फ्यूरान. अब हम वन बाई वन करके इन सारे हेट्रोसाइकल्स को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम इन हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स को बना सकते हैं और क्या क्या इनकी केमिकल रिएक्शन रहेंगी. सो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा पायरोल. पायरोल आपको पता है कि एक फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें क्या है? नाइट्रोजन एज एन हेट्रोएटम. तो देखिए पायरोल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे. फर्स्ट रिएक्शन में हम पायरोल को बनाएंगे एसिटाइलिन के साथ. ये आपके पास एसिटाइलिन है. इस एसिटाइलिन की जब हम दो मॉलिक्यूल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी पायरोल की. ठीक है, फॉर्मेशन किसकी होगी? पायरोल की.
मैकेनिज्म आपको यहाँ पर नहीं करना क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं पूछ रखा है। फिर बात करते हैं अमोनियम म्यूकेट से। अमोनियम म्यूकेट से हम किस टाइप से बनाएंगे पायरोल को, ये देखिए, ये आपका अमोनियम म्यूकेट की स्ट्रक्चर है। जब आप इसे ग्लिसरॉल से रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है पायरोल की, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस यहाँ से लिब्रेट हो जाते हैं। आपको जो प्रिपरेशन वाले स्टेप हैं इसके लिए मैकेनिज्म नहीं करना क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट जो पायरोल है उसको हम सक्सेनामाइड से बना सकते हैं। तो सक्सेनामाइड की जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करते हैं उसको जिंक डस्ट के साथ, तो जो सक्सेनामाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोल में। फ्यूरान से भी हम पायरोल को बना सकते हैं। फ्यूरान से पायरोल बनाने का हमारा मेथड रहेगा कि जब हम फ्यूरान की रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ और उसको हीट करते हैं, स्टीम से उसको पास करवाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन से और फॉर्मेशन हो जाती है पायरोल की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है 1,4-dicarbonyl कंपाउंड्स के साथ। इसमें हम पालनोर सिंथेसिस पढ़ेंगे और जो ये पालनोर सिंथेसिस है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है तो आपको इसका मैकेनिज्म भी करना है। तो ये आपके पास एक 1,4-dicarbonyl कंपाउंड है, आप इसको जब अमोनिया के साथ हीट करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सब्स्टिट्यूटेड पायरोल की। ये आपका क्या था, एसिटोनाइल एसिटोन। देखते हैं मैकेनिज्म किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। फर्स्ट आपके पास जो ये 1,4-diketone था इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ, तो अमोनिया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। नई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। नई वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो आपका प्रोटोन था ये यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से रिलीज होगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और साथ में जो कंपाउंड है उसमें क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड। अब जो नया कंपाउंड बना है उसमें नाइट्रोजन के पास फिर से क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा दूसरे वाली कार्बोनिल की कार्बन पर और यहाँ से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आया है वो यहाँ से जो निकला हुआ प्रोटॉन था इसको ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। फिर से यहाँ से H और ये OH वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा पालनोर सिंथेसिस के लिए क्या था मैकेनिज्म की किस टाइप से हम 1,4-diketone से अमोनिया से रिएक्शन करके हम पायरोल में इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है हंट्स पायरोल सिंथेसिस। हंट्स पायरोल सिंथेसिस में हम जो आपका रिएक्शन होती है ये अल्फा हेलोकीटोन की बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पायरोल सिंथेसिस के लिए यहाँ पर, और ये बाय नेम ही रिएक्शन आपको स्लिम पेपर में मिलेगी। तो इस रिएक्शन का रिएक्शन भी करनी है साथ में मैकेनिज्म भी करना है। तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर जो आपका बीटा जो कीटो बिटायरेट है कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर जो है ये फर्स्टली अमोनिया से रिएक्शन करता है और यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है कार्बोनिल और अमोनिया में, तो ऑक्सीजन यहाँ से H2 यहाँ से रिमूव होता है वाटर की फॉर्म में और यहाँ पर एक अमीन की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये अमीन बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है अल्फा हेलोकीटोन के साथ, आप देख सकते हो ये आपका क्या है, अल्फा हेलोकीटोन। अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। साथ में फिर जो ये आपका हाइड्रोजन है ये HCl की फॉर्म में निकलेगा, अब HCl और वाटर निकल जाएगा, साथ में पायरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा मेथड था पायरोल सिंथेसिस का जिसमें हमने बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन की अल्फा हेलो कीटोन की इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो फॉर्मेशन हुई है आपकी पायरोल की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये है आपका नोर पायरोल सिंथेसिस। नोर पायरोल सिंथेसिस में हम जो आपका अल्फा अमीनो बीटा कीटो बिटायरेट है यानी कि अल्फा अमीनो जो आपका कीटो एस्टर है इसके साथ रिएक्शन करते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट की इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन होगी पायरोल की। लेकिन यहाँ पर पायरोल जो बनेगा वो कैसा होगा, सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मैकेनिज्म आपको नहीं करना, ये सिर्फ नोर सिंथेसिस है, दोनों का नाम याद रखना है। वो क्या था, पाल नोर सिंथेसिस, और ये सिर्फ क्या है, नोर सिंथेसिस। ओके, तो ये हमने 7 डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं जिसमें हम पायरोल को किस टाइप से सिंथेसाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पायरोल है, इस ये कलरलेस लिक्विड होता है। जब आप इसको एयर में एक्सपोज कर देते हो तो रेडली ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्लोरोफॉर्म जैसा ही ऑर्डर होता है इसका। तो पायरोल क्या है? कलरलेस लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 404 केल्विन होता है। जब ये ऑक्सीजन में आप इसको एक्सपोज करते हो तो ये अपने कलर को चेंज करता है, ब्राउन कलर में ये आ जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, एंड इट्स ऑर्डर इज़ लाइक क्लोरोफॉर्म। अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, तो जो आपका पायरोल मॉलिक्यूल है ये वाटर में स्प्रेंगली सोल्यूबल है, मीन्स थोड़ा बहुत सोल्यूबल है। और अगर बात करते हैं नॉन पोलर सोलवेंट, सॉरी जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स की, जैसे कि आपका एल्कोहल है और ईथर, इनमें ये हाईली सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल होता है एल्कोहल और ईथर में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि जो पायरोल है ये किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो पायरोल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पायरोल डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करेगा, जिसमें से फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होगी वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो पायरोल है इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हो, क्योंकि जब आपने पायरोल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की होंगी तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो बाकी जो आपका चारों के चारों कार्बन पे किस टाइप का चार्ज होता है? नेगेटिव। अब कार्बन्स पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, और आपको इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूटेड जो रिएक्शंस होती हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखते हैं किस किस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन है, जिसमें जो पायरोल है ये आपका मॉलिक्यूल है पायरोल, जब आप इसकी रिएक्शन करोगे, जब आप इसका नाइट्रेशन करोगे, तो जो इसकी सेकेंड पोजीशन है इस पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन। ऐसे आप अगर इसके ओलियम से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हो तो क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी होगा आपका सेकेंड पोजीशन पे। याद रखना है मोस्टली रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगी इसके सेकेंड पोजिशन पर ही होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है नाइट्रोजन से। अगर आपने आयोडीन से रिएक्शन करा दी पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, तो आपको टेट्रा आयोडोपायरोल की फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन असाइलिक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर जो एसिटाइल ग्रुप था आपका वो सेकेंड पोजिशन पर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसके रिमर-टीमन रिएक्शन करा सकते हो, रिमर-टीमन रिएक्शन में फॉर्मेलेशन हो जाएगी अल्फा पोजिशन पर या फिर इसकी सेकेंड पोजिशन के ऊपर। डाइजोनियम सोल्ट से रिएक्शन कराओगे तो कपलिंग हो जाएगी। HCN से रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको पता है कि एक एटरमैन कोच रिएक्शन होती है और इससे फॉर्मेलेशन होती है इसकी सेकेंड पोजिशन के ऊपर। तो ये हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पायरोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। तो ये सारी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस थी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों शो करता है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि पायरोल खुद एक कैसा है, पायरोल खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। तो जो पायरोल है आपका ये वीक एसिडिक नेचर में होगा। नेचर में कैसा होगा? वीक एसिड। जब आप इसकी बेस से रिएक्शन करते हो तो ये सोल्ट बनाता है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तब, ठीक है। वीक एसिडिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इस वजह से है। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन लेस जो बेसिसिटी है ये बहुत कम है। सॉरी, पायरोल जो है ये बेस की तरह एक्ट बिल्कुल भी नहीं कर, बेस की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। हमने देखा था कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इजली क्या कर सकता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट। अब कोई भी चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करती है? लिविस बेस की तरह। तो पायरोल जो है ये लिविस बेस की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर। फोर्थ रिएक्शन ये शो करेगा लाइक रिडक्शन। तो जब भी आप इसका रिडक्शन करोगे, तो रिडक्शन आप इसकी दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपने जिंक से रिडक्शन कर दिया तो मोनो एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जो कि होगा पायरोलिन।
अगर आप हाइड्रोजन से कंप्लीट रिडक्शन कर देते हो तो आपको मिलेगा पाइरोलिडीन, तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो जो पाइरोल है आप जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड तो आपको मैलिक इमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैलिक इमाइड। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता तो मैलिक एनहाइड्राइड हो जाता। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की नाइट्रोजन है, NH है, CONH अमाइड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इमाइड हो जाएगा। नाम क्या हो गया इसका? मैलिक इमाइड। सिक्स्थ इसकी जो रिएक्शन होगी वो रिंग एक्सपेंशन की रिएक्शन होती है कि कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके अपनी रिंग को एक्सपेंड करता है, जैसे पायरोल क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा और पिरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर से 6 मेंबर में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये मैलिक एनहाइड्राइड के साथ है, ये आपके मैं अभी बता चुकी हूँ कि NH को अगर ऑक्सीजन से रिप्लेस करते हो तो क्या हो जाता है, वो मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा और ये बूंद यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये था आपका मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किस टाइप से करता है। लास्ट जो इसकी रिएक्शन रहेगी ये रहेगी रिंग क्लीवेज रिएक्शन। तो जब भी पायरोल हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका क्या हो जाता है भाई, रिंग क्लीव कर जाती है और यहाँ पर एक ओपन चेन कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा सक्सिनैल्डिहाइड डायोक्सेन। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पायरोल को किस टाइप से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं और किस टाइप से हम पायरोल को कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन पायरोल से हो करता है इसको हमने वन बाय वन